उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों से आसमान से बरस रही बरसात मानो बरसात नहीं कहर बरपा रही है। तेज बरसात से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बड़ा नुकसान भी हुआ है। देहरादून से ऋषिकेश जाने वाला रानी पोखरी पुल तेज बरसात में भरभरा कर गिर गया। जब पुल गिरा तो उस वक्त पुल से वाहनों की आवाजाही हो रही थी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते प्रदेश भर में कई सड़कों पर यातायात बाधित हो चुका है। इधर देहरादून ऋषिकेश रोड पर पुल ढह गया, जिसका नजारा बेहद खौफनाक और डरावना था। दरअसल ये पुल देहरादून से ऋषिकेश जाने के रास्ते में पड़ता है और इसी पुल से एयरपोर्ट भी रास्ता जाता है। आम दिनों की तरह इस रोड पर वाहन चल रहे थे, लेकिन अचानक से जब पुल टूटा तो लोग दहशत में आ गए। उस वक्त पुल पर दर्जनों वाहन थे। पुल टूटने से 3 वाहन नदी में जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची, तो वहीं स्थानीय प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। इधर पुल के ढहने की वजह से सड़क पर आवाजाही बाधित हो गई है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हादसा बहुत बड़ा हादसा, इसमें सरकार को और शासन को बहुत पहले 1 घंटे पहले सूचना कर दी गई थी कि आप यहाँ पे इसका ट्रैफिक बंद कर दो, नहीं तो ये पुल जाने वाला नीचे से। अब व्यवस्था ये होनी चाहिए, आप देखो ये VIP रूट है, आदर्श विधानसभा, इसके अंदर जनता को देखते हुए कुछ न कुछ इसका सोल्यूशन निकाल के रास्ता कुछ। पुल ढहने की वजह से एक बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से वाहन में सवार लोगों की जान बचाई गई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सड़कों और पुल के निर्माण पर सवाल उठाते हुए मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। तरीके से लगातार जो है बरसात के मौसम में सड़कें ध्वस्त हो रही हैं और पुल गिर रहे हैं, तो कार्य की गुणवत्ता पर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आज भी जो है एक पुल गिरा है और जिस तरीके से वो क्षतिग्रस्त हुआ, तो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर विषय है और ये कार्य की गुणवत्ता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा हो गया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इस तरीके से जो लोग कार्य की गुणवत्ता से जो है खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, सरकार तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ कार्रवाई करे। देहरादून ऋषिकेश रोड पर पुल के अचानक ढह जाने के बाद निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं उत्तराखंड के PWD मंत्री सतपाल महाराज ने भी जांच करवाने की बात कही है। महत्वपूर्ण है ये पुल जो है, इसका निर्माण 1964 में हुआ था और पानी के बहाव से सारी वहाँ जो रेता है और पूरी जो मट्टी है वो कट गई है और पूरा ये कोलैप्स कर गया है। तो इसमें हमारे जो HOD हैं वो भी गए हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उसमें कुछ बस और गाड़ी फंसी हुई हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है और निश्चित रूप में इसकी पूरी जाँच करवाई जाएगी। जानकारी आई है कि हमारा ये जो पुल है ऋषिकेश और हमारे डोई वाला क्षेत्र और एयरपोर्ट को रानी पोखरी को जोड़ने वाला रानी पोखरी क्षेत्र में वो पुल जो है नीचे धस गया है। मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी संस्था थी। अगर कहीं पर अगर इसमें है तो इस पर भी, जैसे हमने पहले जो है कहा था कि हम हरिद्वार में जो कोविड टेस्ट में जो अगर गड़बड़ी पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसी प्रकार से हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं पर सड़क धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून ऋषिकेश रोड पर पुल ढहने का ये जो मामला सामने आया है, हालांकि इस हादसे में सड़क से गुजर रहे लोगों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन हादसे ने पुल निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। राव शफात अली, देहरादून, खबरें भीतर।